चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, गैप सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जिसे हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो तकरीबन स्टूडेंट को आवश्यकता होती है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के समय पर। तो इसमें क्या क्या आपको टाइप करवाना है, कैसे कैसे आपने इसमें स्टेप फॉलो करने हैं, क्या क्या इस पर लिखना है, किससे सिग्नेचर करवाने हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं ये आपको फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा, गैप सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा। इसके बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट भी फिल करेंगे कि कैसे कैसे ये फिल करना है और कैसे आपको एडमिशन के टाइम में इसको सबमिट करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर इसको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने कट ऑफ सीट मैट्रिक्स च्वाइस लिस्ट 2022 में आपने कैसे च्वाइस फिल करनी है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, सर्विस बॉन्ड क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी, सभी के बारे में ये बुक अवेलेबल है। मैं सोचता हूँ ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इसको डाउनलोड करने के बाद हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अभी गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर लेना है और उस पर टाइप करवाना है। क्या टाइप करवाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में आप कोर्ट में जाना है और नोटरी पब्लिक के साइन करवाने हैं, इसपे जो एडवोकेट होते हैं कोर्ट में उनसे साइन करवाने हैं। और जो हेल्थ सर्टिफिकेट है जिसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, ये डॉक्टर से साइन करवाने हैं। ये नॉर्मली एक व्हाइट पेपर पर लिखा जाता है, एक व्हाइट पेपर पर सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। तो इन दोनों सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कब होती है, इन दोनों सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है और उसके बाद में आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो उस समय आपको जरूरत होती है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं एडमिशन के टाइम में, तब इन सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है। तो जिन स्टूडेंट का 12th के बाद में गैप हो गया है या एकेडमिक ईयर में कोई गैप हो गया है, तो वो इनको सर्टिफिकेट देना है कि किस कारण से मेरा गैप रहा है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि 12th के बाद में इन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया या किसी अदर कोर्सेज में एडमिशन ले लिया, उनका कोई गैप नहीं रहा है और वो वहां से अपने टीसी सबमिट करना चाहते हैं, तो उनको इस गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और जो स्टूडेंट का गैप रह गया है 12th के बाद की टीसी वो सबमिट कर रहे हैं, तो ये गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट की बात यह है कि काफी सारे स्टेट्स में मेडिकल कॉलेज में ही मेडिकल होता है, तो वहां सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। जैसे राजस्थान में एडमिशन के बाद में मेडिकल कॉलेज में मेडिकल हो जाता है तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन महाराष्ट्र, एमपी वगैरह जैसे स्टेट में एडमिशन के टाइम में मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है इससे। अब हम बात करते हैं कि जो गैप सर्टिफिकेट है उसमें हमने किस प्रकार के फॉर्मेट में टाइप करवाना है, उसमें क्या क्या लिखा होता है। तो आपको ये सारे बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे इसके लिए, गैप सर्टिफिकेट के लिए, या फिर आप जब कोर्ट में जाते हैं तो एडवोकेट के पास भी ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं, उनके पास भी फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं, या फिर जो ई मित्र होते हैं या कयोसिक होते हैं, जो जहां पर ये काम होता है, नोटेरी का काम होता है या फिर स्टैम्प का काम होता है, तो वहां भी आप इसको टाइप करवा सकते हैं 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर। वैसे नॉर्मली मैं आपको एक यहाँ फॉर्मेट बता देता हूँ, ये फॉर्मेट आपको हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in पर भी अवेलेबल है। हेल्थ सर्टिफिकेट का और गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं इसको। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये आपने फिल कैसे करना है। तो इस प्रकार का एक फॉर्मेट आप टाइप करवा लें 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर। 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाने के बाद में आपने उसको फिल करना है। फिल करने के लिए आपने उसमें सबसे पहले अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ही यहाँ मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मेरा नाम राकेश कुमार है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राकेश कुमार लिख दिया मैंने, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही लिख रहा हूँ, राकेश कुमार मैंने यहाँ पर लिख दिया है नाम। पिताजी का नाम लिख दें, इसमें स्नोप लगता है तो स्नोप, नहीं तो अगर डॉक्टर ऑफ लगता है जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल हैं, अपने यहाँ पर पिताजी का नाम लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर पिताजी का नाम लिख दें, एज लिख दें अपने, जो भी आपकी एज हो रही है कैलकुलेट करके एज लिख दें। यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस लिख दें, जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप रेजिडेंशियल एड्रेस में पूरा लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना आगे पिन कोड लिख दें,
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको यहां तक फिल कर दें। इसके बाद में आपने कौन सी क्लास पास की है, तो इसमें आप 12th क्लास पास के लिख दें यहां पर, और यहां आगे स्कूल का नाम लिख दें, कौन सी स्कूल से आपने 12th क्लास पास की है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं चोपड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहां पर बता दिया, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। आगे भी मैं पूरा एड्रेस लिख देता हूं स्कूल का, और आगे पिन नंबर भी लिख देता हूं, ठीक है। तो ये सब लिखने के बाद में कौन से महीने में आपने 12th पास की है, तो जनरली मई जून में होता है, मैं यहां पर जून लिख देता हूं। ईयर, कौन से ईयर में 12th क्लास पास की थी, उसके बाद आपका गैप रहा है, तो मैं यहां पर ईयर लिख देता हूं। अब किस कारण से आपका गैप रहा है, यहां वो रीजन लिखना है। तो जनरली नीट प्रिपरेशन के कारण बच्चों का गैप रहता है, तो मैं यहां पर नीट प्रिपरेशन लिख देता हूं, ठीक है। ज्यादातर इसी की वजह से गैप रहता है, तो यहाँ नीट प्रिपरेशन मैं लिख देता हूं। जो आपका रीजन है वो आप यहां पर लिख सकते हैं। अभी गैप कब से कब तक रहा है, तो मान लो 2018 से मेरा 2022 तक रहा है, तो मैं 2018 से 2022 यहां लिख दूंगा। अभी कौन सी जगह आप ये एफिडेट बनवा रहे हैं, तो वहां का नाम लिख दें, और कौन सी तारीख को ये एफिडेट बन रहा है वो आप यहां पर डेट लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपने यहां पर सिग्नेचर कर दें, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद में यहां पर आपने नोटेरी पब्लिक के जो सिग्नेचर हैं वो करवाने हैं, और यहां नोटेरी की सील लग जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये गैप सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा, और ये गैप सर्टिफिकेट आप एडमिशन के टाइम में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये तो होगी गैप सर्टिफिकेट की बात। अब हम बात करेंगे हेल्थ सर्टिफिकेट की। तो हेल्थ सर्टिफिकेट इस प्रकार के फॉर्मेट में आप बनवा सकते हैं, या फिर अगर किसी आप हॉस्पिटल में गैप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं, तो उनके पास भी फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं, तो वहां से भी आप ये फॉर्मेट में बनवा सकते हैं, या उनके पास कोई फॉर्मेट अवेलेबल है तो वहां से भी आप बनवा सकते हैं। इसको फिल कर लें आप। फिल करने के लिए तरीका सेम ही है जैसे हमने पहले फिल किया था, उसी प्रकार से इसको भी फिल कर लें। यहाँ डॉक्टर अपना नाम लिख देंगे, जो भी डॉक्टर से आप फिल करवा रहे हैं वो अपना नाम लिख देंगे, जो भी है यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे डॉक्टर, ठीक है। यहाँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको फिल कर दें। आगे इसमें हाइट वगैरह और ये आप इसमें लिख सकते हैं, वेट लिख सकते हैं, चेस्ट इसमें आप लिख सकते हैं, और इसमें विजन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सर्टिफिकेट बनवा लें। अभी कोई अगर बॉडी पे मार्क्स है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आप यहां लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं ए ब्लैक मोल ऑन दी फेस। तो इस प्रकार से कोई भी आप मार्क्स यहाँ जो भी है मार्क्स वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिग्नेचर कर देता हूँ अपने, और यहाँ प्लेस लिख देता हूँ जहाँ ये सिग्नेचर करवा रहे हैं, और यहाँ डेट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा होने के बाद में यहाँ पर जो जिस डॉक्टर से आप साइन करवा रहे हैं वो अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे, इसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे, और यहाँ पर डेजिग्नेशन लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से आपका हेल्थ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। लेकिन ये हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आपको एडमिशन की जो डेट रहेगी आपकी उसके नजदीक ही बनवाना है, इसको पहले बनवाने की आवश्यकता नहीं है। गैप सर्टिफिकेट बेसिक आप पहले बनवा सकते हैं। तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स के बारे में मैंने बता दिया है, गैप सर्टिफिकेट के बारे में भी बता दिया है और हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में भी बता दिया है। तो ये आप बनवा सकते हैं। बाकी इनके जो फॉर्मेट हैं, वैसे एनटीए ने या किसी मेडिकल कॉलेजों ने ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं दे रखा है। ये इसमें आपको ये पता होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट में दो चीज मेंशन होनी चाहिए कि किस कारण से आपका गैप हो रहा है और कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आपका गैप रहा है। बाकी लैंग्वेज सभी अपने तरफ से लिख सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप अपने तरफ से लैंग्वेज इसमें लिखेंगे तो इसमें कोई गलती हो जाएगी। बस ये मेंशन होना चाहिए कि किस कारण से आपका गैप रहा है और कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आपका गैप रहा है, ये उसमें मेंशन होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट पे आपको एमओ से साइन करवा के, एमओ से डॉक्टर से साइन करवा के लेके चले जाएं,
या फिर अगर जरूरत नहीं है मेडिकल कॉलेज में ही मेडिकल हो जाता है तो वहां से आप सर्टिफिकेट ले लें, ये इतना मैंडेटरी भी नहीं है, ये आपको एडमिशन के टाइम में मेडिकल कॉलेज से आप संपर्क करके बनवा सकते हैं, ये बाद में जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये जानकारी थी इनके बारे में, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।